देश की सबसे पुरानी राजनीति पार्टी कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं की चिट्ठी के बाद कांग्रेस में मचे बवाल को थामने की सोनिया गांधी की कोशिशों का असर भी अब खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। कई मौकों पर कांग्रेस की लगातार हो रही दुर्दशा पर खुलकर सवाल उठा चुके सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले को एक बार फिर उठाया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी आलाकमान के सामने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सिब्बल की नाराजगी वही पुराने मुद्दे पार्टी में आंतरिक चुनाव और संगठन में व्यापक स्तर पर फेरबदल को लेकर है। सिब्बल ने कहा है कि एक महीने हो गए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं और G23 समूह के नेताओं से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने आंतरिक चुनाव का वादा किया था, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कब और कैसे होंगे। एक अखबार से बात करते हुए सिब्बल ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया। अखबार ने सिब्बल के हवाले से लिखा, दुर्भाग्य से मैं उस मीटिंग में नहीं था, मैं कहीं यात्रा पर था, लेकिन मुझे लगता है उस दौरान एक खुली बातचीत हुई है। पार्टी को दिशा दे रही कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा था कि एक चुनाव होगा। अब हमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये चुनाव कैसा होने वाला है। हमें लगता है कि ये चुनाव संविधान के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। अपनी बात समझाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, उदाहरण के लिए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चुनाव के साथ कराया जाएगा। हमारी पार्टी का संविधान यही कहता है, लेकिन हमारे पास इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। सिब्बल ने कहा कि इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड को सक्रिय किया जाए। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे पर कुछ दिनों में जवाब आएगा, क्योंकि देश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस का जागना बहुत जरूरी है। सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को कई राज्यों में देखने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है, लोगों में अलगाव का भाव है। मैं दिल्ली के बारे में बात कर सकता हूं। कई नेता मुझसे मिलने आते हैं और दिल्ली में पार्टी के बारे में चिंता जताते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी तेजी से और बिना झिझक काम करे। हालांकि सिब्बल के इस बयान पर पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सिब्बल के इस बयान पर कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट।